चैप्टर नंबर 10 सिंगल एंट्री सिस्टम का ये इनिशियली थ्योरी का सेशन है। थ्योरी के सेशन के बाद हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सिंगल एंट्री सिस्टम। नाउ सिंगल एंट्री सिस्टम का एक और नाम है, क्या नाम है कोई बोल सकता है? उसको अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब कि तुमको सामने वाले को प्रॉफिट बताना है बेस्ड ऑन लिमिटेड इंफॉर्मेशन। अच्छा, जो हमने फाइनल अकाउंट्स किया था वहाँ पे हमारे पास ट्रायल बैलेंस था। ट्रायल बैलेंस था मतलब जर्नल और लेजर बराबर हुआ रहेगा, ट्रायल बैलेंस बना था। सो फाइनल अकाउंट्स इजी था, यहाँ पे देर इज नो ट्रायल बैलेंस। सो क्वेश्चन इज सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? नाउ टेल मी अकाउंट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, मीनिंग एवरी डेबिट मस्ट हैव अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। सो जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसका एंट्री होता है, एंट्री में एक साइड डेबिट होगा एक साइड क्रेडिट होगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग है इन विच एज अ रूल ओनली रिकॉर्ड्स ऑफ कैश। किराना शॉप के पास गए, वो बोलता है भाई मेरे पास कैश के गल्ले में देख लो कितना है, किसको उधारी देना है किससे आना है वो डायरी है। इसके अलावा उसके पास ज्यादा कुछ रिकॉर्ड्स है नहीं, और वो तुमको बोलता है भाई मेरा कितना नफा हुआ वो बताओ। दिन में 200 बार कस्टमर आते होंगे, क्या वो रिकॉर्ड करता है? नहीं। तुमने एक 100 रुपए की कैडबरी मांगी, 100 रुपए दिया, उसने तुमको कैडबरी दिया, क्या उसका एंट्री होगा, क्या वो बिल देगा? द आंसर इज नो। सो उसका डेटा इनकम्प्लीट है, उसके पास कहाँ अकाउंटिंग का टाइम है। वो सिर्फ तुमको बोलेगा कि भाई मेरे को नफा कितना हुआ है वो बताओ। तुम बोलोगे तुम्हारे लेजर दो तो फिर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊँ। वो बोलता है कोई लेजर नहीं है, ये कैश बॉक्स में इतना रोकड़ा है और ये इतने लोग से पैसा आना है, डायरी देखो, और ये इतना देना है, दूसरी डायरी देखो। सो ऐसे हालात में तुमको सामने वाले का नफा बताना होगा। और इसमें एक एडवांस चैप्टर होता है कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, बट ये तुमको नहीं है, नॉर्मली ये टीवाई बीकॉम को रहता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ टेल मी अकाउंट्स किस पे आधारित रहता है? अकाउंट्स जो आधारित रहता है उसके कुछ बेसिक क्राइटेरिया रहते हैं, ठीक है ना? देर इज अ रियल पर्सन नॉमिनल अकाउंट, देर इज अ डबल एंट्री सिस्टम जहाँ पे एवरी डेबिट मस्ट हैव अ क्रेडिट। सो देर कैन बी टू टाइप्स ऑफ अकाउंट जो लोग मेंटेन करें। 99% लोग कौन सा मेंटेन करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम, जहां पर देर इज अ डेबिट देर इज अ क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस है, फाइनल अकाउंट्स तुम आराम से बना सकते हो। 201 सम सॉल्व किया तो तुमको पता भी होगा। प्रॉब्लम इज कि डबल एंट्री सिस्टम नॉट एवरीवन फॉलोज। किराना शॉप मेडिकल शॉप इनके पास टाइम नहीं रहता है कि दे पास एंट्री फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, बट डबल एंट्री सिस्टम में पर्सनल रियल नॉमिनल तीनों रहेगा। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट किससे आना है किसको पैसा देना है और कैश बुक देगा, उसके अलावा ही विल बी ब्लैंक। नाउ तुम क्वेश्चन में आ जाओगे अभी कैसे इसका नफा निकाला जाए। तुमको बोला जा रहा है कि भाई नफा निकालो। सो नाउ व्हाट विल यू डू? जब पर्सनल रियल नॉमिनल जो हमने बैलेंस शीट सीखा था इट वॉज बेस्ड ऑन प्योर इन्फॉर्मेशन, ट्रायल बैलेंस था, पर्सनल रियल नॉमिनल था, रियल था तो बैलेंस शीट में आएगा, पर्सनल था तो बैलेंस शीट में आएगा। इधर पर्सनल रियल नहीं है, उसके पास कैश बुक है, उसमें तुम थोड़ा सा अंदाजा लगा रहे हो। सो तुम एक बैलेंस शीट जैसा एक अंदाजन स्टेटमेंट बनाओगे जिसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है इट इज लाइक अ बैलेंस शीट, बट बैलेंस शीट बनता है ट्रायल बैलेंस है, ये तुम अंदाजन जो रकम दे रहा है उससे बना रहे हो। सिंगल एंट्री इज नॉट अ लीगली रिकॉग्नाइज सिस्टम, बट तुम नफा बता रहे हो कितना। नाउ तुम लॉजिक क्या कर रहे हो? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में उसको कैपिटल कितना है शायद पता नहीं, तो तुम क्या कर रहे हो? एसेट साइड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर जो उसके पास है जो कर्जा देना है, बाकी का कैपिटल होगा बैलेंसिंग फिगर।
लॉजिक समझ में आ रहा है? सो हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में जा रहे हैं। जो एसेट साइड होता है बैलेंस शीट का, सिंपल सी बात है, तुमको पता ही है, जो बैलेंस शीट तुमने काफी सम्स की है, दो साइड रहते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी, राइट हैंड साइड एसेट। लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज, कैपिटल ओन हो जाता है। सो इफ तुमको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तुमको कैपिटल चाहिए कितना, तो तुम सिंपल सा क्या करोगे, ये एसेट माइनस लाइबिलिटीज करोगे, विल गिव यू व्हाट, कैपिटल। ये एक तरीका है कैपिटल फाइंड करने का। नाउ तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, कैपिटल क्यों? फॉर द सिंपल लॉजिक दैट आज कैपिटल 1 लाख है और 1 साल बाद 10 लाख है, या 1 साल बाद 1.5 लाख है, कैपिटल कैसे बढ़ा? नफा किया होगा तो ही तो बढ़ा ना। सो तुम क्या कर रहे हो, सिंगल एंट्री सिस्टम में दोनों कैपिटल निकालते हो, आज का कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग ईयर का, दोनों का डिफरेंस यदि बढ़ा है तो प्रॉफिट, घटा है तो नेट लॉस, वो लॉजिक से अपन चलते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तुम्हारे पास एक बैलेंस शीट है, ठीक है, ठीक है, तुम एक दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम बोलते हो ठीक है, मैं जो सवाल पूछता हूँ उसके जवाब दो। दुकानदार ने तुमको बोला है कि भाई मेरा प्रॉफिट निकाल के बताओ, अब तुम क्या कर रहे हो? 1 अप्रैल 2018 को किसके पास गए, दुकानदार के पास गए, उसने बुलाया, तुम बोलते हो कि भाई अब मुझे एक काम कर, तेरा दुकान है, बिल्डिंग है, उसका कीमत बता। तुम क्या कर रहे हो, कैपिटल निकालने की कोशिश कर रहे हो। वो बोलता है भाई बिल्डिंग 5 लाख का, ठीक है, फिर आगे तुम सवाल पूछते जाते हो, वो बोलता है कि भाई 5 लाख का बिल्डिंग है, लेकिन उसके लिए मैंने लोन लिया था 2 लाख रुपए, ठीक है। अब तुम उससे, और लोन तो ऑन पेपर होता है तो वो तो पता चल जाएगा, बिल्डिंग ऑन पेपर रहता है तो पता चल जाएगा। फिर तुम उसको बोलते हो, अच्छा दीवार में उसका लकड़े का फर्नीचर रहता है ना, जिसको दीवार में गड़ा हुआ रहता है तो फिक्सर बोलते हैं, वैसे रहेगा तो फर्नीचर बोलेंगे। वो बोलता है मेरे पास फर्नीचर भाई 60,000 रुपए का, ये भी पता रहेगा उसको, उसने बनाया तो। अच्छा तुम उससे पूछते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है बताने के लिए, वो बोलता है देख भाई मेरे पास एक फ्रिज है, समझ में आ रहा है, फ्रिज कितने का मैंने लिया, 10,000 रुपए का। तुम बोलते हो ठीक है, वो भी लिख लेते हो, तुम अभी लिख रहे हो कागज में, तुम उसका कैपिटल कितना है वो अंदाजा, फिर उसको दुकान में जो उधारी में खरीदते हो उसके पास एक डायरी रहती है, ठीक है ना, डायरी में लिखता है जो उधारी में खरीदते हैं, डायरी में टोटल आता है 15,000। अच्छा फिर वो क्या करता है, वो बोलता है कि जिस जिससे आना है 15,000, बट मैंने उधारी में माल उठाया है, गेहूं चावल ये सब, वो 5,000 का उठा है। तो तुम लिखते हो, उसके पास दो डायरी होगा, एक जिससे पैसा आना है और एक जिसको पैसा देना है, समझ में आ रहा है? तुम क्या कर रहे हो, तुम कैपिटल निकालने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है और मेरे एम्प्लॉय का पगार बाकी है, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, सिंपल सा है। वो बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, देना बाकी है, इतना तो पता लग ही जाता है। सो तुम्हारे सामने इंफॉर्मेशन दे रहा है तुमको, तुम लिखते जा रहे हो, कितना हुआ, 3,000। अब क्या होता है, वो कैश बॉक्स निकालता है, तुमको तुरंत क्या पता चल जाएगा, कितना कैश है, ठीक है ना। कैश बॉक्स में तुम काउंट करते हो तो उसमें कितना रहता है, 25,000 रुपया, किसमें, कैश बॉक्स। अब वो इतना इंफॉर्मेशन तुमको प्रोवाइड करता है, अब तुम क्या करोगे, उससे पूछते हो तुम्हारे पास जो स्टॉक है किराना में, वो अंदाजन कितने का होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? वो बोलता है भाई 40,000 का स्टॉक होना चाहिए। अब तुम बोलते हो कि भाई मेरा काम हो गया, अब मैं टोटल लूंगा, कितना आ रहा है टोटल, 6.5 लाख इधर आ रहा है एसेट का, संपत्ति, और तुम क्या कोशिश कर रहे हो निकालने का कि कैपिटल कितना है। ये देखो 6.5 लाख का जो टोटल आ रहा है, अब कैपिटल कितना होगा, 6.5 लाख माइनस 2 लाख 8 हजार, ये क्या होगा, तुम्हारा कैपिटल होगा। सो कैपिटल बिकम्स द बैलेंसिंग फिगर। तुमने आज सब इंफॉर्मेशन लिया और तुमने एक अंदाजन बोला कि तुम्हारा खुद का पैसा जो धंधे में लगाया है वो है 4,42,000, ठीक है। ये समझ में आया कैसे है, बैलेंस शीट एसेट तुमने इंफॉर्मेशन लिया, लायबिलिटी माइनस किया, जो बचा वो क्या होगा, कैपिटल। अब तुम उसको बोलते हो कि भाई तेरा आज का कैपिटल मैंने बता दिया, अब मैं अगले साल आऊंगा, अगले साल आऊंगा तो तू मुझे ये इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे तू देगा,
लेकिन मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्यों कि हो सकता है तू किराने शॉप से खुद के घर के लिए गेहूं लेगा, ड्राइंग्स जिसको बोलते हैं, तो मैं उससे दो चीज़ का रिक्वेस्ट करता हूँ, किससे, किराना वाले को मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट तू कुछ और नया कैपिटल डाल रहा है क्या धंधे में, हो सकता है ना अपन घर का फर्नीचर दुकान में लेकर आए, मुझे दो चीज़ बताना जब मैं अगले साल आऊँगा और इसका स्थिति भी एक बार मैं तेरे से चेक कर लूँगा। अब क्या होता है, एक साल बीत जाता है, तुम उसके पास वापस जाते हो, कब, 31 मार्च 2019, वो 1 अप्रैल 2018 था, अब तुम वापस गए, अब एक एक करके पूछना चालू करते हो, वो क्या बोलेगा, बिल्डिंग कितने का था, 5 लाख, लेकिन एक साल इस्तेमाल किया तो तुम उसका डिप्रिसिएशन माइनस करते हो, तुम बोलते हो चलो 25 हज़ार कम हो गया होगा, ठीक है, फिर पिछले साल लोन जो था कम होके 1.5 लाख हो गया, उसने कुछ कर्जा चुकता कर दिया, ये लोन का तो बैंक से स्टेटमेंट मिल जाता है तो पता रहता है कितना है, फिर फर्नीचर 60 हज़ार, वो तुम बोलते हो डिप्रिसिएशन 10% माइनस कर लेते हैं, मतलब तुम एक साल बाद वापस किराना शॉप में गए, ओपनिंग कैपिटल तुमने निकाला था, फ्रिज उसका 2 हज़ार तुमने माइनस किया, अब क्या करते हो, डेटर्स 25 हज़ार आ जाए, डायरी क्रेडिटर 7 हज़ार देना है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर टैक्स 1,000 रुपये बाकी है, कैश बोलता है 40 हज़ार है, एक साल बाद तो प्रोग्रेस हुआ रहेगा, और बोलता है कि भाई इस बार मैंने बैंक में अकाउंट खुलाया है 10 हज़ार रुपया, और स्टॉक 52 हज़ार का है, और वो बोलता है मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी 36 हज़ार की, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो देता है, मोटरसाइकिल जब खरीदोगे तो कागजात मिलेगा, स्टॉक अंदाज से बता सकता है, बैंक का बैलेंस 10 हज़ार है ये बता सकता है, सो तुमको ये इन्फॉर्मेशन आ गया, अब तुम क्या कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन क्या निकाल रहे हो, उसका कैपिटल, ठीक है, तुम बोल रहे हो ये कैपिटल कितना बैलेंसिंग फिगर है, 5,42,000, पहले कितना था, इफ तुम पहले जाओगे पिछले सम में यदि देखोगे पिछला बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं 442, अभी बढ़ के कितना हो गया 542, नाउ दिमाग लगाओ कैपिटल कैसे बढ़ा होगा, प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन तुमने क्या बोला था दुकान वाले को कि मेरे को दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना कि तुमने एडिशनल कैपिटल कितना डाला धंधे में, 40 हज़ार, ड्राइंग्स कितना है, 90 हज़ार, अब वो बोलता है मेरा प्रॉफिट बताओ, ठीक है, अब तुम बोलते हो कि ठीक है मैं तुमको एक कॉमन सेंस से बताता हूँ, नाउ याद है तुमको जब हम बैलेंस शीट बनाते थे, जब हम बैलेंस शीट बनाते थे इधर फाइनल अकाउंट्स में, तो तुम क्या लिखते थे, कैपिटल अकाउंट ऐड नेट प्रॉफिट ऐड एडिशनल कैपिटल लेस ड्राइंग और फाइनल फिगर आता था, याद है, तो ये जो कैपिटल इसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, ये जो कैपिटल इसको क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, सो सिंपल सी बात है, जो इसमें नेट प्रॉफिट है ओपनिंग कैप, ये ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स, तो यदि हम चाहें तो नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, जिसमें ये फॉर्मूला है ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल लेस ड्रॉइंग इज क्लोजिंग कैपिटल, सो इसको ही मॉडिफाई कर दिया तो आई कैन से नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, इससे शुरू किया क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, इसके दम पर हम उसको बोलते हैं कि तेरे को जो प्रॉफिट चाहिए वो मैं बताता हूँ, तेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना था 31 मार्च 2019 को, 545 542, लेकिन ये कैपिटल बढ़ सकता था, तेरा स्टॉक बढ़ सकता था, लेकिन तूने स्टॉक खुद के लिए कुछ उठा दिया, लेकिन स्टॉक था मतलब उसने कमाया होगा, तो जो उसने इंफॉर्मेशन दिया कि ये पूरे साल में मैंने इतना ड्राइंग धंधे से किया, क्या बोलेंगे, ड्राइंग 90 हज़ार का किया, तो तुम ऐड कर दोगे क्योंकि स्टॉक ज्यादा होना चाहिए था बट उसने खुद के लिए उठा लिया, मतलब वो स्टॉक कमाया होगा, खरीदा होगा, अच्छा जो तुम एक्स्ट्रा पैसा डालते हो नफा नहीं होता, ये 15 बेंचेस है, मैं एक और एक्स्ट्रा बेंच घर से लेके जाता हूँ, तो तुम्हारा जैसे कैश बढ़ गया तो तुम बोलोगे प्रॉफिट, लेकिन कैश घर से लेकर आए तो प्रॉफिट कैसे हुआ, तो जो एडिशनल कैपिटल हम लेस करते हैं, एक सिंपल सा आइडिया बोलता हूँ, एड का लास्ट लेटर क्या है, डी, मतलब बोलते हैं ना ड्रॉइंग्स में ड्रॉइंग्स एड, एड का लास्ट लेटर डी, लॉजिक समझ में आ रहा है, और लस्सी लस्सी, लस्सी तो पसंद है ना भाई, गुजराती है, छाछ पसंद है तो उसमें लस्सी पकड़ लो, छाछ तो पीते होंगे ना रोज, ओके, सो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल ये आ गया, अब तुमने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स किया लेस ये कैपिटल जो नया लाया था, और ओपनिंग कैपिटल माइनस किया जो 442 था, तो तुमने
जो किराना शॉप है पटेल, उसको बोल दिया भाई तुमने 1.5 लाख रुपए इस साल कमाया अंदाजन, परफेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि एंट्री किया नहीं है उसने, अंदाजन कुछ फिगर्स दिए, हो सकता है कुछ मिस भी किया हो, ऑन द बेसिस ऑफ जो इसने इंफॉर्मेशन दिया, ये तुम्हारा क्या है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आया सबको ये कैसे करते हैं? सो यहाँ पे थ्योरी खत्म होता है। अभी हम क्या करेंगे, सम जब शुरू करेंगे उसमें हम तुमको क्वेश्चन देंगे, ये फॉर्मेट के दम पे तुमको प्रॉफिट या लॉस बताना है। क्या सब लोग क्लियर हैं? ओके, सो अभी अगले वीडियो में हम सम शुरू करेंगे।